श्री गंगानगर से अगली खबर। तेज रफ्तार दो कारों ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्लॉक एरिया में हादसा हुआ। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में मामला भी दर्ज कराया है और कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। ये सड़क हादसा, ये विभत्स सड़क हादसा जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, साइकिल सवार को दो गाड़ियां रौंदते हुए निकल गई और काल बन करके दोनों गाड़ियां साइकिल सवार के लिए आई। साइकिल सवार की इस घटना के बाद में, क्योंकि भीषण दुर्घटना थी, बचने का कोई स्कोप उसके पास रह भी नहीं गया था, क्योंकि एक गाड़ी के बाद में दूसरी गाड़ी भी उस पर चढ़ते हुए उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में देखिए, साइकिल सवार आपको नजर आ रहा है, श्रीगंगानगर की तस्वीर है। एक साइकिल सवार जब बिल्कुल सड़क से बचकर के एकदम साइड में अपनी साइकिल से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन तेज रफ्तार ये दोनों गाड़ियां जो कि उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। ऑन द स्पॉट साइकिल सवार की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्लॉक एरिया में ये हादसा हुआ। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है और फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। लेकिन ये बड़ी और दर्दनाक खबर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी इस पर साफ बयां कर रहा है कि इसमें गलती किसी भी सूरत में साइकिल सवार की नहीं थी। क्या ये पूरी घटना रही, क्या दुर्घटना के बारे में जानकारी, इसको लेकर के सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि साइकिल सवार बिल्कुल साइड में रास्ता देकर के अपनी साइकिल से धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन दो कारें उसे रौंदते हुए निकल गई। क्या पुलिस कह पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, आज ये दिन थोड़ी दोपहर की घटना है और ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने है तब ये पता चला है कि ये वास्तव में घटना किस तरीके से घटी। साइकिल सवार अपनी साइड से आ रहा था, अचानक पीछे से दो जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार से आती है और आपस में भी टकराती है। उसके बाद में दोनों कारें हैं जो साइकिल सवार को रौंदती हुई आगे निकल जाती है। फिर उसके बाद में एक जो कार ड्राइवर था वो तो मौके से फरार हो गया, दूसरा रुका और उसके बाद में वो भी वहां से फरार हो गया। फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है, ब्लॉक एरिया का मामला है और पुलिस है जो तफ्तीश में जुटी है। जैसे जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो हालांकि जो ये दोनों कार चालक है वास्तव में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो ये लापरवाही है, वो कार जो तेज रफ्तार जो कार आ रही थी, दो कारें आ रही थी, वो उनकी सामने गलती है और दोनों टकराने के बाद में ये साइकिल सवार को रौंदा है। फिलहाल मोर्चरी में सब रफा दिया है। पुलिस ने अभी मृतक के परिजनों को सब भी सौंप दिया है और मृतक के परिजनों ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जैसे ही उनकी पहचान होती है उसके बाद में उनको नामजद कर लिया जाएगा। बिल्कुल सुनील, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसमें साइकिल सवार अपने आप, कोई गलती उस व्यक्ति की नहीं थी जिसने अपनी जान गंवा दी और दोनों गाड़ियों के बीच में भिड़ंत भी। लेकिन नेम प्लेट के आधार पर, क्योंकि अब इस घटना को समय बीत चुका है, पुलिस क्या कह पा रही है, क्या नाम अभी पता लगा लिए गए हैं, कौन कार चालक थे, गाड़ी के मालिक थे ये दोनों? बिल्कुल, पुलिस है जो, पुलिस का कहना यही है कि उनकी पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो परिजन है वो जो पुलिस ने समझाइश की है उसके बाद मान गए हैं। हालांकि पहले नहीं मान रहे थे कि जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। फिलहाल मान गए हैं और अब जो पुलिस है जो मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान भी हो गई है, हालांकि थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कौन आरोपी थे और पुलिस। बिल्कुल सुनील, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए